हेलो दोस्तों, पोकेमोन जर्नी के एपिसोड 7 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सेंट एनी शिप के अंदर, तो चलो जल्दी से चलते हैं। दोस्तों, अगर हमें ऑफिसर जेनी से स्क्वर्टल चाहिए तो हमें 60 पोकेमोन्स पकड़ने होंगे। और लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 54 पोकेमोन्स हैं। ये तो हमें और 6 पोकेमोन्स पकड़ने होंगे। हां दोस्तों, तो चलो जल्दी से पकड़ने चलते हैं। अरे लेकिन यहाँ पे हमें पोकेमोन्स मिलेंगे कहाँ? ढूंढते हैं ना। अरे ये रहा माचोप, इसे पकड़ लेते हैं। अबे लेकिन ये माचोप तो लगता है किसी और का है। ए लगता है वो उस बुड्ढे अंकल का जो वहाँ बैठे है। अरे तो उस बुड्ढे अंकल को लात मार के इसका माचोप ले जाते हैं ना। पागल है क्या मसो? हम चोर दिखते हैं क्या तुझे? अंकल हम आपको लात मार के आपका पोकेमोन ले जाए। बेड़े मैं गरीब हूँ बेड़े, प्लीज बेड़े ऐसा मत करो बेड़े। अपने बाल बेच के मैंने खरीदा है पोकेमोन बेड़े। बेड़े प्लीज बेड़े। अरे दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मस्त आदमी बैठा है। अरे भाई साहब आप कौन हो? बड़े मैं हूँ रॉकी पांडे और मैं देना चाहता हूँ तुम्हें पर्शियन पोकेमोन, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें तभी दे सकता हूँ अगर तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास 5 ग्राउलेट हैं। बड़े रॉकी पांडे नाम है मेरा, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। ठीक है भैया, हम ढूंढ के ले आएंगे 5 ग्राउलेट। ए उससे पहले चलो वो साइड में टॉफी की दुकान है वहाँ चलते हैं। ओ ये तो नहीं लगती टॉफी की दुकान। ए यहाँ पे देखो कितना प्यारा पोकेमोन है। अरे तो सील है। अरे हेलो अंकल, आप टॉफी बेचते हो? हाँ बड़े मैं टॉफी नहीं बेचता, लेकिन तुम पैलेट टाउन से डीमन हो? हाँ अंकल हम भैया हैं। अरे तो तुम्हारे पिकाचू मुझे बहुत पसंद आया, मैं पिकाचू कलेक्ट करता हूँ। देखो पीछे मेरी फोटो भी लगी है, तो मैं तुम्हारे पिकाचू के लिए थोड़े कपड़े देना चाहता हूँ, तुम्हें चाहिए? हाँ जी अंकल दे दो। हाँ तो बेटे ये लो, तुम इसको पहना दो, ठंड में काम आते हैं बेटे। थैंक यू अंकल। चलो दोस्तों पिकाचू के कपड़े चेंज करते हैं। ए हाँ ये क्लोथ ट्रंक के अंदर देखो पड़े होंगे। अरे इसको तो हम हैट पहना सकते हैं। हाँ उन्होंने हैट भी दिया, क्लोथ भी दिए हैं। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कैप दिया मैंने, वो पहना दिया है। ए और यहाँ पे क्लोथ भी दिया है, उसमें एक स्पोर्ट्स वेयर है, हाँ वो भी मैंने पहना दिया पिकाचू को। पिकाचू तुझे पसंद है? अरे चलो जल्दी से ना बाकी बचे हुए पोकेमोन्स पकड़ने चलते हैं। ए अब सिर्फ 2-3 पोकेमोन ही और बचे है। हाँ जल्दी से पकड़ लो, इसे भी पकड़ लो। ए ये पिजी ऑटो आई है, इसको भी पकड़ लो। ये तो काफी बड़ी है, इसको जल्दी से पकड़ लेते हैं। ए हाँ जल्दी से पोकेबॉल फेंक शिनचैन। हाँ पोकेबॉल जाओ। ओए हमने तो 63 पोकेमोन्स पकड़ लिया है, अब हम जाके स्क्वर्टल ले सकते हैं। ओ चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं और स्क्वर्टल ले लेते हैं। अरे ऑफिसर जेनी हमें ये स्क्वर्टल दे दो। तुमने 60 पोकेमोन्स पकड़ लिए? हाँ जी। दिखाओ। ये देखो बहुत बढ़िया, तुमने 60 पोकेमोन्स पकड़ लिए, इसका मतलब तुम काफी स्मार्ट पोकेमोन ट्रेनर हो गए। इसके लिए मैं तुम्हें स्क्वर्टल दे सकती हूँ। ठीक है थैंक यू, दे दो जल्दी से। फाइनली हमें स्क्वर्टल भी मिल गया है। स्क्वर्टल बाहर आओ। स्क्वर्टल तुम्हारा स्वागत है हमारी टीम में। दोस्तों मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो इस घर में देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए क्या पता। ओ चलो जल्दी से। अरे ये तो बल्बसोर वाली चाची और डाइपर वाला कच्चा है। मेरा बल्बसोर लेके आ डाइपर, मेरा बल्बसोर। चलो दोस्तों 5 ग्राउलेट पकड़ते हैं। जैसा कि वो रॉकी पांडे वाले भैया ने कहा था ना कि अगर हम उन्हें 5 ग्राउलेट पकड़ के दिखाएंगे तो वो हमें कोई पोकेमोन देंगे। अरे अरे यहाँ पे भी एक ग्राउलेट है, और इसको भी पकड़ लेते हैं, फिर जल्दी से सारे ग्राउलेट दिखाते हैं रॉकी पंडी को। दोस्तों हमने पूरे 5 ग्राउलेट पकड़ लिए हैं, चलो जल्दी से चलते हैं रॉकी पंडी के पास। अरे रॉकी पांडे भैया हमने पूरे 5 ग्राउलेट पकड़ लिए। बड़े मेरा नाम है रॉकी पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देख लो। बहुत बढ़िया, ये लो तुम्हारे लिए पर्शियन पोकेमोन। अरे इन्होंने तो हमें पर्शियन पोकेमोन दे दिया। अरे तो पर्शियन पोकेमोन है, ये तो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अरे ये कौन सा बुड्ढा है? अरे इतनी बास कहाँ से आ रही है? ए ये पक्का इस बुड्ढे से आ रही है। मेरा नाम है डकार पादू। ओए लगता है इस शहर में सबके नाम घटिया है। ए ये क्या कर रहा है? मैं चुनता हूँ टिकट को। है है, ये भी कोई पोकेमोन होता है? जाओ स्क्वर्टल इसको खत्म कर दो। अरे गुड़ी पड़वा टैग। ओ ये क्या हो रहा है? चलो धरती पाड़ दी। ओ स्क्वर्टल की तो सारी शक्ति खत्म हो गई, ओ स्क्वर्टल मर गया। ओए लगते ही डिग्लेट बहुत ताकतवर है। पिकाचू जाओ। सूर्य अटैक। अरे ये क्या कर रहा है भाई? इसकी कौन से घटिया घटिया अटैक्स हैं? अरे पता नहीं भाई कौन सा सूर्य अटैक कर रहा है, ये पागल हो गया है, इसने पिकाचू को भी नॉकआउट कर दिया। अरे पिकाचू वापिस आ जा भाई। जाओ ग्राउलेट।
ओए गुड़ी पुड़ी सुसड़ी अटैक। अरे भाई ये क्या हो जा रहा है, हमारे सारे पोकेमॉन्स को एक एक बार यूं मार रहा है। जाओ आइविशोर। अरे शिनचैन ने बहुत बढ़िया चाल है, इसके खिलाफ वो बुड्ढा सुसड़ी अटैक यूज नहीं कर सकता। ओए वाइनवे अटैक, ए वाइनवे अटैक ने तो डिगलेट को खत्म कर दिया। मार गए मिस्टर टकार पादू। अरे दोस्तों वहां पे मेरा फेवरेट पोकेमॉन ड्राउजी है, उसे पकड़ो। ड्राउजी ड्राउजी उरे बल ओके वन। अरे भूको क्या हो गया, लगता है भूको ड्राउजी अटैक आया है। अरे दोस्तों मैंने अपना फेवरेट पोकेमॉन ड्राउजी पकड़ लिया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। स्क्वाडल 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 स्क्वाडल। अरे लगता है स्क्वाडल को भी पानी वाली जगह बहुत पसंद आई। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अरे ये स्क्वाडल को क्या हुआ। स्क्वाडल 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 स्क्वाडल। अरे स्क्वाडल तो पानी देख के पागल हो गया है। ओहो ये तो अपना मच्छू है। मच्छी पकड़ने के साथ साथ भाई साहब मैं इस शिप का चपड़ासी भी हूँ। साइड बिजनेस है ये मेरा, चपड़ासी वाला बिजनेस साइड है मेरा। ओहो तो हम पे क्यों चीख रहा है, गवार के मच्छे उतार दूंगा तेरे सारे कच्छे। अरे मच्छू भाई साहब ने तो हमें पिकाचू के लिए एक व्हाइट शर्ट भी दी। अरे तो बहुत ही कमाल की बात है। हाँ भाई चलो दोस्तों अभी सेंट एनी शिप के अंदर चलते हैं। अरे बड़े मजे आएंगे यार। अरे कितनी बड़ी शिप है भाई साहब। अरे देखिए यहाँ पे अमरूद टंगा हुआ है। अबे वो लाइट है भाई, अरे कुछ तोड़ बोड़ मत भाई मसाओ। अरे तो गहरी है। अबे आ गया तू, डरता नहीं है क्या मुझसे, जो यहाँ पे मुंह उठा के आ गया है। फट्टू फट्टू फट्टू। भाई तू कौन है भाई, फट्टू किसको बोल रहा है। अबे तू कौन है। अबे तमीज में रहियो ठीक है गैरी, ये ना आज मेरा दोस्त है, मैं तेको मार दूंगा ठीक है। अरे थैंक यू भैया, आप हमेशा मेरी मदद करते हो, मेरी साइड लेते हो, मुझे कुछ कुछ सामान देते हो और इस कबाड़ी गैरी को कुछ भी नहीं देते। हाँ भाई वो तो मैं दूंगा ही, तू मेरा आखिरकार बेस्ट फ्रेंड जो ठहरा। अच्छा चलता हूँ भाई, दुआओं में याद रखना। चलो दोस्तों जल्दी से शिप के पायलट को ढूंढते हैं। अबे भाई शिनचैन वो पायलट नहीं कैप्टन होता है। अबे वहाँ जाना है तो मुझसे कंपटीशन करो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ का शिप का कैप्टन एक ट्रिक सिखाता है जिससे तुम इस शहर के जिम के अंदर जा सकते हो, लेकिन तुम वो सीख नहीं पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। इस कचड़े को लगता है कि हमें रोक पाएगा। जाओ पिकाचू। ए पिकाचू तो इसको एक थंडर बोल्ट अटैक में ही खत्म कर देगा। पिकाचू थंडर बोल्ट अटैक। अबे एक बारी में निपटा दिया मेरी पिजियोटो को। हाँ तो तुझे क्या लगा था वो ज्यादा देर टिक पाएगी। हट यहाँ से, कछुआ वापस आओ। बल्बसौर जाओ। साई आई आई। अबे साइडक तुझे नहीं बोला था, साइडक क्यों चला गया। क्विक अटैक। अबे क्विक अटैक से साइडक की पावर कम होगी, साइडक कंफ्यूजन अटैक। ओए बहुत बढ़िया साइडक, चल पान की पिचकारी मार। ईवी क्विक अटैक। अरे इसके क्विक अटैक ने तो साइडक को मार दिया, साइडक वापस आओ। क्विक अटैक। अरे ग्राउलेट टेक डाउन अटैक। ओ भाई साहब ये क्या अटैक था। ईवी एक और क्विक अटैक और इस घटिया ग्राउलेट को खत्म कर दो। अरे यार ग्राउलेट की पावर भी खत्म हो गई। अभी उसका तुड़प का इक्का। जाओ चार्मेलियन। अबे ये क्या है, हमारा चार्मेंडर इवॉल्व हो गया है। और चाटा अटैक। अबे ये क्या है, ये ले मेरा पोशन। अबे यार ये चीटिंग करता है यार। पूरी और फिर से चीटिंग कर रहा है, कोई बात नहीं। जाओ आइविशोर। आइविशोर कर सकता है। आइविशोर वाइन व्हिप अटैक। एक और वाइन व्हिप अटैक। अबे ये क्या है, जा ओडिश। अरे इसने ओडिश भेजा है। जाओ पिकाचू। ओडिश एसिड अटैक। अरे यार इसने एसिड अटैक से पिकाचू की हेल्थ कम कर दी। पिकाचू थंडर बोल्ट अटैक। ओडिश रेजर लीफ अटैक। उरे अरे यार पिकाचू को वापस बुला। पिकाचू एक इलेक्ट्रिक पोकेमॉन है, हमें एक फायर पोकेमॉन की जरूरत है। ए जाओ चार मिलियन। ओडिश रेजर लीफ अटैक। अरे यार रेजर लीफ मार दिया इसने। उरे एम्बर अटैक। एक और एम्बर अटैक। अबे एक और धोबी पचाड़, कैसे कैसे करते हो तुम। मानता हूँ कि तुम अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर हो अबे, लेकिन आज मैंने चाय नहीं पी थी। भाई ये कैसा इंसान है। ए लगता है यही है शिप के कैप्टन, चलो इनको लात मार के उसी डस्टबिन के अंदर गिरा देते हैं। अरे है पागल है क्या तू। चलो दोस्तों जल्दी से इनसे बात करते हैं। अरे आप ठीक तो है ना। बच्चे यार आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मेरे पेट में हाजमा खराब हो गया है यार, आज मैंने कुछ ज्यादा ही छोले खा लिए यार, पेट इसलिए पूरा खराब हो गया। क्या करूं।
लगता है इस पिकाचू को मेरी खुशबू पसंद आई। मैं इसको ये सीक्रेट ट्रिक सिखाऊंगा। तुमसे पहले एक बच्चा आया था गैरी, मैंने उसको नहीं सिखाया, वो मेरी बम पे लात मार के चला गया और मैं अपनी उल्टी में ही गिर गया। आ जाओ पिकाचू बेटे, मैं तुम्हें ट्रिक सिखाता हूँ। तुम्हें पेड़ के पास आना है और पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जोर का पास मारना है। ओ कट गया। चलो आओ पिकाचू बेटे, दिखाओ तुमने क्या सीखा। अरे नहीं भाई साहब, पिकाचू सीख चुका है, मैं उसको बाहर करवा दूंगा। अरे बेटे ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, ट्राई कर लो। लेकिन चलो ठीक है, अगर पिकाचू सीख गया तो मैं कौन होता तुम्हें रोकने वाला। ए आप लात मार के भाग जाए क्या? अरे नहीं नहीं, थैंक यू अंकल, आपने हमारी बहुत हेल्प करी। हाँ बेटे चलो आप अपनी गद्दी हमें सौंप दो। अरे ऐसा मत बोलो प्लीज यार, मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज मेरी सैलरी भी 200 रुपए है। अरे मैं मजाक कर रहा था। चलो दोस्तों व्यू देखते हैं शिप से। ओए चल रहे पिकाचू, तू भी चल यार, बहुत मजे आएंगे। ए वाह कितनी प्यारी शिप है ये, स्क्वाडल 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 स्क्वाडल, वाह क्या व्यू है, वाह मैंने इतना प्यारा व्यू कभी नहीं देखा अपनी आंखों से। ओ मैं तो चाहता हूँ हमेशा जिंदगी ऐसी ही रहे। चलो दोस्तों चलने का वक्त हो गया है। हाँ चलो इस शिप को अलविदा कह देते हैं। अरे ऑडी इवॉल्व हो रहा है। अरे ये तो बहुत ही कमाल की बात है। ए ये क्या हो रहा है स्क्वाडल को, स्क्वाडल भी हम आपको चैलेंज करते हैं, हम जीत के रहेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से 10,000 लाइक्स कर दो। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।